नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं हूँ रुपया, मेरा नाम है रूपा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। और मैं हूँ राजू। किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने में हम जैसे लोगों के लिए पूंजी की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। मैं अपने बांस व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लेने की सोच रहा हूँ, पर समझ में नहीं आता कि बैंक हमें कर्ज देगी या नहीं। कोई बात नहीं राजू, बैंक तो तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों की मदद के लिए ही बनी है। अपने व्यवसाय के लिए तुम बैंकिंग और गैर बैंकिंग दोनों तरह की संस्थाओं से कर्ज ले सकते हो। सरकारी बैंकिंग संस्थाओं के उदाहरण हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि, और निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आदि हैं। इसके अलावा गैर बैंकिंग संस्था भी तुम्हें कर्ज दे सकती है, जिसमें बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस, L&T फाइनेंस लिमिटेड जैसी संस्थाएं हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों से भी तुम्हें कर्ज मिल सकता है। लेकिन कर्ज देने के लिए इस तरह की संस्थाएं बहुत कुछ देखती हैं, जैसे जिसे कर्ज चाहिए वो कर्ज वापस करने की स्थिति में है कि नहीं। इसके लिए बैंक कर्ज लेने वालों की क्रेडिट रेटिंग पता करती है। क्रेडिट रेटिंग, ये क्या होता है दीदी? क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा मूल्यांकन है जिससे कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कितना मजबूत और अनुशासित है, कितने तक का कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है। पहले अगर कर्ज लिया तो समय पर वापस किया या नहीं, उसका वित्तीय लेन देन सही और अनुशासित है या नहीं, और भी कई चीजें क्रेडिट रेटिंग से पता चलती हैं। लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हमारे बारे में कैसे पता चलता है? इस देश के सभी सदस्य बैंक और गैर बैंकिंग संस्थान अपने ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन या फिर अन्य लेन देन सिबिल जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ साझा करते हैं। इन संस्था के पास एक डेटाबेस होता है जिसमें सभी प्रकार के ऋण और उसके मासिक किस्त एवं भुगतान करने वाले की जानकारी होती है। इसमें नए ऋण के लिए दिए गए आवेदन एवं उनके अनुमोदन की जानकारी भी रहती है, और यही जानकारी ही तुम्हारे सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट रेटिंग का आधार बनती है। ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड या सिबिल भारत की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जिसे सामान्य रूप से क्रेडिट ब्यूरो भी कहा जाता है, जो लोगों और संस्थाओं के कर्ज और क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतानों का रिकॉर्ड रखती है। सिबिल स्कोर कर्ज लेने के आवेदन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी हम कर्ज के लिए आवेदन करते हैं तो कर्ज देने वाले बैंक सबसे पहले आवेदक के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करता है। यदि क्रेडिट स्कोर कम है तो कर्ज मिलने की संभावना कम होती है। यदि क्रेडिट स्कोर अधिक होता है तो कर्ज मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा दीदी, देखो, बैंक से कर्ज लेने से पहले जरूरी है बैंक में खाता खुलवाना। एक बार बैंक में खाता खुल जाने के बाद छोटे मोटे कर्ज तो बैंक हमें बिना किसी जमानत के दे देती है। मतलब जब तुम पहली बार बैंक में कर्ज लेने के लिए आवेदन करोगे तो उसमें क्रेडिट रेटिंग की कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब तुम बैंक से लेन देन शुरू कर दोगे और धीरे धीरे अपना आयकर देने लगोगे तो इससे तुम्हारी कुल पूंजी या नेटवर्थ भी बढ़ेगा, और ये सारी जानकारी सिबिल या अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास चली जाती है, जहां से तुम्हारा सिबिल स्कोर निर्धारित होता है। सिबिल जैसी कई अन्य संस्थाएं भी हैं जो ग्राहक के लेन देन की पूरी जानकारी रखती हैं और क्रेडिट स्कोर देती हैं, जैसे क्रिसिल, CRISIL, केयर, CARE, इसरा, ICRA। जी दीदी, लेकिन मैं तो बैंक को पैसे समय पर वापस कर दूंगा, फिर इस क्रेडिट रेटिंग की क्या जरूरत है? जानती हूँ राजू, लेकिन सभी तुम जैसे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी वजह से कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए बैंक इस बात को क्रेडिट रेटिंग द्वारा सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि जिसको ये उधार दिया जा रहा है वो मूलधन और ब्याज की अदायगी कर पाएगा या नहीं। समझ गया दीदी, इसका मतलब बैंक हमारे बारे में सब पहले से जान लेना चाहती है। बिल्कुल,
एक सिबिल रिपोर्ट में कर्ज लेने वाले की सारी जानकारी होती है। व्यक्तिगत जानकारी के अलावा उसने किस बैंक से कितना लोन लिया है, वो कहाँ काम करता है और उसकी मासिक आय, ये सब कुछ सिबिल रिपोर्ट में होता है। अच्छा दीदी, कुछ और बताइए ना क्रेडिट रेटिंग के बारे में। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग 3 अंकों की एक संख्या होती है जिसे कई पैमानों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जितना बेहतर तुम्हारा क्रेडिट स्कोर होगा उतनी ही बेहतर संभावना होगी तुम्हें बैंक से कर्ज मिलने की। 700 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। कई बार हमें क्रेडिट स्कोर में -1 मिलता है जिसका मतलब है कि कर्ज लेने वाले का पिछला कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। अच्छा तो दीदी ये बताइए कि हम क्रेडिट रेटिंग को अच्छा कैसे रख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो राजू, सबसे पहले अपने कर्ज के मासिक किस्त की भुगतान समय पर करो, बैंक के अन्य लेन देन में भी समय पर भुगतान किया करो। दूसरी बात, एक साथ कई बैंकों में कर्ज के लिए आवेदन मत करो। तो क्या दीदी क्रेडिट रेटिंग को सुधारा भी जा सकता है? हाँ राजू। कैसे दीदी? ये सवाल भी बहुत अच्छा किया है। देखो राजू, सबसे पहले अपने लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल्स या अन्य बिल हमेशा नियत समय पर जमा करो। अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने की कोशिश करो। अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी ऋण उपयोग अनुपात को 30-40% से नीचे रखो। ऋण उपयोग अनुपात? हाँ राजू, मान लो तुम्हारे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी कुल क्रेडिट लिमिट 1,00,000 है। इसमें से कार्ड पर बकाया राशि 80,000 है। इसका मतलब आपका क्रेडिट उपयोग अनुपात 80% है, यानी तुम क्रेडिट कार्ड पर बहुत आश्रित हो। ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा। समझ गया दीदी, लेकिन मुझे अपनी क्रेडिट रेटिंग कैसे पता चलेगी? सिबिल की वेबसाइट से, जिसका पता है www.cibil.com। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ इसे कैसे चेक करते हैं। समझ गया दीदी, ये तो बेहद आसान है। अब मैं चलता हूँ अपनी क्रेडिट रेटिंग पता करने। कर्ज भी तो लेना है व्यवसाय शुरू करने के लिए। अच्छा।